तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो अभी क्या टाइम हो रखा है, 10:30 हो रहे हैं और अभी हम बाजार जा रहे हैं खरखोदा। मेरा अभी क्या कर रहा है, क्या ढूंढ रहे वापस आ रहे हैं। मम्मी मम्मी बैठे हैं, मामा जी थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं, तो कई दिनों से काम कर रहे थे इसलिए। तो अभी थोड़ी देर में खरगोदा चलेंगे, तो आपको खरगोदा जाते वक्त ही मिलेंगे। बाय। ये रहा टप्पी, इसको लग रहा है मम्मी जा रही है वापस, इसलिए साइड बैठा है, इसलिए मैं घुर्रा भी नहीं रहा है ना टप्पी। गौशाला है ना अभी, अभी हम खरगोदा पहुंच गए हैं और अभी हम ये बर्तन चेंज करवाने में दुकान पे। अभी पुराने तो फूटे होते हैं बर्तन, होते उनकी जगह नए बर्तन ले सकते हैं। नीचे रखा है बिल्कुल। तो अभी मम्मी क्या चेंज कराना है, ये और ये सारे बर्तन चेंज कराना है। तो गाइस ये दुकान है, यहाँ पे ये सारी चीजें मिल जाती है। ये क्या है अभी, ब्लू ब्लू बैठने का ना, छोटी कुछ गाइस देखो कितने सुंदर सुंदर मूर्तियां है। मम्मी देखो गलतियां देखो, कोई सचिन गलती ले लो, एक दिया ले लो, नहीं रखे हैं ये दीदी की ड्रेस चूज कर रहे हैं, फिर दीदी को पसंद आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। कौन सी कौन सा कलर बोलो, ये मेरा तो एक भी ना है। गोल्डन गोल्डन टोपी ले लो, टोपी बढ़िया की टोपी है। चलो चलो चलो। तो गाइस अभी दीदी की ड्रेस चूज कर रहे हैं, यहाँ पे दीदी को पसंद आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। पूरी ड्रेस होती है तो गाइस ये आयु फार्म है, इसमें जैसे दूध दही जैसी डेयरी वाली चीजें होती है ना, वो सब यहाँ पे मिलती है। आइसक्रीम, दूध दही और क्या, लस्सी दही खीर खीर भी यहाँ पे। यहाँ पे हाँ मतलब यहाँ पे गाय वाय, हाँ ये क्या पौधे उगा रखे हैं, बड़े सुंदर फूल है। पूरा ऐसे ये वाला फूल है, यहाँ पे काउंटर है, यहाँ पे होती है सारी दूध दही वाली केक वाली सारे रैक में, कौन सा देसी आइसक्रीम ये शुशाना और मायूपुर के बीच में रोड होता है ना मेन, उसमें बीच में पड़ते हैं। हाँ हाँ, तो अब हमारे पास भी चॉकलेट आयुकी 15 रुपए की, बोलो यहीं पे बनती है, यहीं पे बनती है। तो गाइस अभी
हम घर को दस आ चुके हैं और अब रास्ते में जाने लग रहे हैं। ये सामने ट्रैक्टर के पीछे ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के पीछे ट्रैक्टर और उसके पीछे एक ट्रैक्टर है। तो अभी हम घर पे वापस आ गए हैं। अब ये थोड़ा सा भरत मिलाप करेगा। पैर आ गया। तो अभी मामा जी इसके अंदर घुस के इसकी सफाई कर रहे हैं और मौसम हो रहा है खराब। क्या कर रहे हो यहाँ डस्टबिन में?